water crisis in Haphlong. Due to deforestation followed by drying of water sources, the people of Haphlong had to suffer from recurring acute water crisis in and around Haphlong. Therefore, to know the preparedness to face the problem by the Public Health Engineering Department, the Hills Life met the Executive Engineer Haphlong PH Division, the sole responsible for the supply of safe and drinking water to the people. The Executive Engineer PS Kerr shared the problems and the preparedness of the PH to tackle the crisis. ऐसे हर साल तो इतने पानी का प्रॉब्लम क्राइसिस में होता ही है, क्योंकि पानी जो सोर्स में जो पानी है वो पानी कम जाता है, और लास्ट चार पाँच साल से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि डी टू डिफोरेस्टेशन, लिफ्टिंग अप ऑफ बोल्डर्स, महासड़क, बीजीओ लोग काम किया, वो काम करने के बाद हमारा जो सोर्स है उस सोर्स में पानी का डिस्चार्ज कम हो गया। फिर भी चलो, इस साल हम लोग क्या किया, जहाँ में हम लोगों का इस साल थोड़ा बारिश अच्छा हुआ बोल के हमारा जो मेन लाइन है 8 इंची लाइन जो है हर साल दिसंबर का लास्ट पार्ट में सूख जाता, लेकिन वी आर सो फॉर्चुनेट डेट वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके 1 इंची के वहाँ भी पानी अभी तक आ रहा है। और जहाँ पंपिंग हमारा जो पंपिंग स्टेशन है, हमारा जो टू पंपिंग स्कीम है, वो पंपिंग स्कीम से हम लोग डबल पंपिंग अभी यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, अभी रात में 5 बजे से 10 बजे तक हम लोग पंप चला नहीं सकता, तो 10 बजे के बाद मैं रात में चलाता, दिन में भी चलाता। चलाने के बाद अभी जितना पानी हम लोगों का करीब 18 लाख का माफिक है, 17-18 लाख लीटर पानी डेली हम लोगों को रिजर्वर में आता है, तो वो पानी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अभी जोन वाइज करते हैं। तो जोन वाइज करने के बाद देखा गया, लास्ट ईयर में जितना पानी का प्रॉब्लम रहा हाफलोंग में, इस साल इतने का पानी का प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो 10-12 दिन के अंदर बीच में गैप में हम लोग अभी तो पानी दे रहा है, पीने का पानी नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वो आप लोग का कहते ना, ये कहते ना, ना कोई लेबर होता है, ना यहाँ का कोई हाफलोंग का कुछ होता है। यहाँ रास्ता भी इससे खराब होता है, देखिए आप लोग देख लीजिए इधर कितना रास्ता खराब है, ये पानी के लिए खराब होता है। पाइप क्या का है? पेची का है, ऐसे चलती रहता है। नहीं, ये तो अभी तो बोल नहीं सकता है, जब आपका खुले मिलता है। नहीं, प्रॉब्लम है, ये जो स्कीम है वो स्कीम करीब 65-70 इयर्स आगे बनाया हुआ है, तो यहाँ में क्या होता है, इतना पाइप का तो कोई उम्र होता है, एक्सपायरी डेट होता है, तो ये पाइप में क्या होता है, लीकेज जो हो रहा है। हम लोग तो लीकेज एक के बाद एक लीकेज मार रहे, बंद कर रहे हैं। तो अभी लास्ट हम एक हफ्ता पहले हम लोग सर्वे किया, सर्वे करने के बाद
पूरा लीकेज हम लोग चुकआउट किया का खगा में लीकेज है, तो हम स्टाफ लगा दिया। तो हफलोंग टाउन में जितना लीकेज है वो सब लीकेज हम लोग विद इन 10 to 15 days सब लीकेज हम मार देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 10 to 15 days में जितना लीकेज है, हाँ जितना लीकेज है वो लीकेज हम मार देगा। और स्टाफ लगा दिया हम लोग स्टाफ लगा दिया इसमें, PWD रोड्स पे हम लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, नहीं देखिए हम लोग उनका एज पर पी एच इज कंसर्न ना, हम लोग उनका जो पानी का मेन लाइन है वो मेन लाइन से तो हम लोग पानी दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो लीकेज हम आप देख रहे हो वो हाउस कनेक्शन से आ रहा है। हाँ, भी। तो हाउस कनेक्शन जो कंट्रोल करता है और हम लोग पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग सबको इनकम मैन को, जो आप लोग बाब लगा दो या तो बिग पॉप लगा दो या लाइन ठीक करो, तो दिस इज अंडर टाउन कमेटी। तो टाउन कमेटी से हाउस कनेक्शन देता है, हम लोग हाउस कनेक्शन नहीं देता है, हम लोग सिर्फ अपना लाइन में पानी देता है। और एक चीज़ हमें देखा गया कि कोई जगह में हम लोग पानी कंटिन्यूस 2 दिन देना पड़ता है। अच्छा। तो इसका मतलब यह है, इतना पुराना स्कीम है उसका डायमीटर ऑफ द पाइप इज वेरी स्मॉल, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या क्या होता है उसमें पानी देने के लिए हम लोग बहुत टाइम लग जाता है। अभी सिग्नेचर स्कीम जो गवर्नमेंट से दिया हम लोग उनको, सिग्नेचर स्कीम के बारे में हम टू कॉन्सेप्ट 12.66 crores का कॉन्सेप्ट पेपर बना के हम काउंसिल में दिया, ये MLA का स्कीम है, वो स्कीम आने से हम लोग उनका पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, हमारा स्टाफ बहुत कम थी। अच्छा, जैसे हमारा रिक्वायरमेंट्स जो है एस्टेन इंजीनियर जूनियर इंजीनियर उससे करीब 50% हमारा पास नहीं है, फुल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है। ठीक है, हमारा जितना खलासी रहा ये खलासी लोग एवं 50% कोई मर गया कोई रिटायरमेंट हो गया। ठीक है, तो इतना बड़ा स्कीम्स की स्कीम है ओवर एंड अबव, इट इज हिली डिस्ट्रिक्ट, प्लेस का मॉपिक नहीं है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, टोपोग्राफी का फीचर दूसरा डिफरेंट है, तो ये जो स्टाफ का जो कमती है वो मेन प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। स्टाफ का जब तक स्टाफ नहीं आएगा, अभी एक जेई का अंदर में आपका बहुत स्कीम होता है ना, अभी करीब 100 का मॉपिक 110 का भी स्कीम होता है, 2-3 सब डिविजन में उसको ज्यूरिडिक्शन देता है, तो इसीलिए तो गवर्नमेंट से हम लोग लिखा, गवर्नमेंट भी दे रहे हैं, ऐसे ऐसा वेस्ट इंजीनियर एक्ट आया उसमें अभी तो गवर्नमेंट जो भी काम करता है हम लोग फोटोग्राफिक रिविजन्स जो फॉर्मेट से बना के हम लोग तो गवर्नमेंट इसको बिग बिग मानी इन अगेंस्ट ऑफ द सेंट्रल स्कीम, अगेंस्ट ऑफ स्टेट स्कीम हम लोगों का एलोगेशन है वहाँ में काउंसिल में तय करता, हम लोग बड़ा कोटा कर देता, तो इतना फंड का इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस अभी प्रॉब्लम तो स्टाफ का, स्टाफ का प्रॉब्लम है हम लोगों का। टोटली कितना होना चाहिए यहाँ पे अभी फिलहाल, अभी कितना ऐसे तो एग्जैक्टली तो हम बता नहीं सकते आपको, लेकिन जूनियर इंजीनियर तो हम लोग उनके जान में बहुत बड़ा, तो जूनियर इंजीनियर चाहिए तो बहुत कमती है। फिलहाल अभी कितने हैं? फिलहाल अभी 5-6 है, एस्टेन इंजीनियर 6 है, एस्टेन इंजीनियर 1 है, अभी नया है एस्टेन इंजीनियर, खलासी लोग तो बहुत, ये वन टाइम पोस्ट होता है ना, तो ये वन टाइम पोस्ट के रहते काउंसिल से भी उसको हम लोग अपॉइंटमेंट दे नहीं सकते। अभी गवर्नमेंट से हम लोगों को चिट्ठी दिया, वन टाइम पोस्ट बी कन्वर्ट इन पर्सनल पोस्ट, उसका करके अभी दिया गवर्नमेंट के पास में, अभी गवर्नमेंट शायद गवर्नमेंट इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप फॉर गिविंग अपॉइंटमेंट्स। Thank you.